ये विशेष सत्र रखा गया है माताओं के लिए। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि माताओं के अंदर स्वाभाविक भावना होती है प्रेम की। यद्यपि ये प्रेम सभी के अंदर है, ये प्रेम हर जीवात्मा के अंदर है। हमारे गुरु महाराज बताते थे कि किस तरह एक शेर, एक सांप, एक बिच्छू, सबके अंदर प्रेम है, लेकिन फिर भी अलग अलग जीवात्माओं के शरीर के हिसाब से उनके प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। ये प्रेम मनुष्यों में ज्यादा देखा जाता है और मनुष्यों में भी यह प्रेम माताओं के अंदर ज्यादा देखा जाता है। श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तक महारानी कुंती की शिक्षाओं में बताते हैं कि यद्यपि महारानी कुंती भगवान को बोल रही हैं कि मैं एक स्त्री हूं, मैं क्या आपका गुणगान करूंगी, मैं आपकी क्या भक्ति करूंगी, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है कहीं भी जब धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो माताओं की संख्या ज्यादा होती है। भारतवर्ष में जितनी भागवत कथा इत्यादि होती हैं, मंदिर होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, प्रभुपाद जी उस पुस्तक में बताते हैं कि उधर माताओं की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि स्वाभाविक भगवान के लिए जो सरलता चाहिए, भक्ति में जो भावना चाहिए, वह माताओं के अंदर स्वतः ही होती है। इसीलिए ये एक विशेष वरदान है। कई बार कई लोग ज्यादा खुश नहीं होते कि घर में बेटी जन्म लेती है, ये दुर्भाग्य है। वास्तव में ये माता का शरीर, उनकी जो भावना, उनकी सरलता, सहजता, ये भक्ति के लिए बड़ी ही अनुकूल है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमको इन शारीरिक अवस्थाओं से ऊपर उठना है। जो हम बात करने वाले हैं अलादिनी माता जी के बारे में, श्रील प्रभुपाद की एक बहुत ही प्रिय शिष्या थी। एक बार माता जी को भागवतम क्लास देने के लिए बोला गया, तो भागवतम क्लास देने व्यासासन पे माता जी बैठी। तो जब माता जी व्यासासन पर बैठी तो दो ब्रह्मचारी सामने बैठे थे क्लास में, तो वो आपस में बात कर रहे थे, देखो देखो एक माता को क्लास दी है बोलने के लिए, माता क्लास दे। तो वो माता जी ने सुन लिया, तो माता जी बोलती हैं कि मुझे आप शारीरिक स्तर पर वापस मत लाइए, प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया है हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, तो आप पुनः शारीरिक स्तर पे क्यों लेके आ रहे हैं। तो ये प्रभु होना, माता होना, ये सब बाह्य आवरण है। मुख्य बात है कि हम कितना कृष्ण के लिए अपना प्रेम को जागृत कर सकते हैं और कितनी महान परंपरा से हम जुड़े हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात श्रीमती राधारानी का भाव लेकर के आए, उनसे ये परंपरा शुरू हो रही है, और उनके अनुयायी जो हमेशा ही गोपी जन के भाव में, गोपियों के प्रेम के भाव में रहते थे, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भाव है गोपियों का भाव, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने अनुसरण किया। बाद में जाके जब चैतन्य महाप्रभु अपने धाम को चले गए, उसके बाद नित्यानंद प्रभु की जो अर्धांगिनी है, नित्यानंद प्रभु की जो पत्नी है जानवा माता, वो जानवा माता हमारे आंदोलन की नेता बनी, हमारे आंदोलन की प्रमुख बनी, और उन जानवा माता के नेतृत्व में सारे वैष्णव आगे भजन करते थे। कितनी महान परंपरा है जिसमें शारीरिक चेतना का कोई स्थान ही नहीं है। आज भी हम जब जय राधे जय कृष्ण भजन गाते हैं, उसमें अंत में नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, श्री जानवा पाद पद्म कुरी स्मरण, वो जानवा माता को स्मरण करते हुए उनको प्रणाम कर रहे हैं कि उनकी कृपा से नरोत्तम दास ठाकुर के समय पर सब वैष्णव भक्ति का अनुसरण कर पा रहे थे। और वो परंपरा हमें इतने उत्कृष्ट स्थान पे पहुंचा रही है जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कई लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, कई लोग आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वो सुविधा नहीं है। उनको लगता है कि वो बहुत आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं, लेकिन ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा का सिद्धांत हमको मिल रहा है, बहुत भाग्यशाली है।
आगे जाके नरोत्तम दास ठाकुर के बाद कई आचार्य हुए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हुए, जो महान रसिक आचार्य हुए, जिन्होंने जिनकी भागवत टीका पढ़ के कोई भी कठोर से कठोर हृदय पिघल सकता है। बलदेव विद्याभूषण हुए, जिन्होंने हमारी परंपरा को प्रतिष्ठित किया। कई वैष्णव संप्रदायों से ये चुनौती आई थी कि गौड़ीय परंपरा प्रमाणित नहीं है, क्योंकि इनके पास वेदांत भाष्य नहीं है। बलदेव विद्याभूषण श्री श्री राधा गोविंद देव के पास गए, जो अभी जयपुर में स्थित हैं, और उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान, चैतन्य महाप्रभु द्वारा चलाई गई परंपरा और प्रमाणित नहीं है, हम कैसे प्रचार करेंगे, हम कैसे भक्ति करेंगे, आप हमको मदद कीजिए। तो साक्षात गोविंद देव बलदेव विद्याभूषण को बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं भाष्य बोलता जा रहा हूं, तुम लिखते जाओ। और उस तरह गोविंद भाष्य की सृष्टि हुई, इतनी महान परंपरा। आगे जाके जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और हमारे संस्थापक आचार्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद। यद्यपि सारे महान आचार्यों ने ये कृष्ण भावनामृत को जन जन तक पहुंचाया, लेकिन शिल प्रभुपाद ने ये अभूतपूर्व कार्य कर दिया कि कृष्ण भावनामृत को पूरे विश्व में कोने कोने में पहुंचा दिया। और जैसे जब भगवान अवतार लेते हैं तो सारे देवतागण अलग अलग रूपों में वो भी जन्म ले लेते हैं, भगवान के नित्य परिकर आध्यात्मिक आकाश से वो भी अलग अलग रूपों में जन्म ले लेते हैं कि वो भगवान की लीलाओं में समर्थन कर सके। उसी तरह शिल प्रभुपाद जैसे जब युगाचार्य आते हैं, शिल प्रभुपाद जैसे जो महान आचार्य आते हैं, तो उनकी मिशन में सहायता करने के लिए, उनके आंदोलन की सेवा करने के लिए उनके भी नित्य परिकर इस भूमि में अलग अलग स्थानों में जन्म लेते हैं। नहीं तो कैसे संभव था कि प्रभुपाद एक अनजाने देश में जाते हैं और ये युवा युवतियां प्रभुपाद से जुड़ते ही इतना गंभीर भक्ति का अनुशीलन करने लगे और पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत फैला दी। क्या ये सामान्य बात है? हम लोगों को इतने समय से प्रचार हो रहा है, इतनी रसमलाई रबड़ी हम खा चुके हैं, उसके बाद भी हमारे अंदर वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी के शिष्य शिष्याएं प्रभुपाद जी के नित्य संगी हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद व्यासासन पर बैठे हुए थे, उनके सारे शिष्य शिष्याएं सामने बैठे थे और श्रील प्रभुपाद रोने लगे, और रोते रोते श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि आप लोग मेरे गुरु महाराज द्वारा भेजे गए हैं मुझे मदद करने के लिए, आप लोग सामान्य लोग नहीं है, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप सबको। तो इस तरह प्रभुपाद बोला करते थे। तो ये सारा जो एक खजाना हमको मिला है वैष्णवों के रूप में, हमको उसको संभाल के रखना चाहिए। ये वास्तविक धन है, ये वास्तविक खजाना है। शिल प्रभुपाद के शिष्य, शिल प्रभुपाद ने जो उदाहरण उनके द्वारा प्रस्तुत किया है अभूतपूर्व है। शिल प्रभुपाद के शिष्य अगर ना होते तो हम भक्ति के सिद्धांतों को ठीक से ना समझ पाते। किताबें तो बहुत हैं, लोग पढ़ते हैं, मैं कई बार सुनता भी हूँ, भक्त लोग बोलते हैं हमने गीता पढ़ ली, हमने भागवत पढ़ ली, हमने चैतन्य चरितामृत पढ़ ली, अभी कोई नई किताब दे दीजिए। किताबें तो बहुत हैं, लेकिन उनका उदाहरण कहाँ है? उन किताबों को, उन स्क्रिप्चर्स को, उन शास्त्रों को जीने वाले लोग कहाँ हैं? वो प्रभुपाद के शिष्य हैं। इसलिए जब नव वृंदावन में, अमेरिका में एक स्थान है नव वृंदावन, प्रभुपाद ने वहां बहुत बड़ा समुदाय बनाया था, तो नव वृंदावन में प्रभुपाद जब दौरा कर रहे थे नए मंदिर का, भक्त लोग प्रभुपाद जी के लिए एक मंदिर बना रहे थे जहां प्रभुपाद जी रुक के पुस्तकों का अनुवाद कर सकें। तो जब प्रभुपाद उस दौरे पर थे तो भक्त लोग प्रभुपाद को बता रहे थे कि प्रभुपाद, हम चाहते हैं कि हम इस पूरे पूरे मंदिर को स्वर्ण से जड़ित कर दें, और जैसे द्वारका के महल होते थे वैसे इसमें मणियां लगा दें कि सूर्य का प्रकाश पड़ते ही इन मणियों से वो प्रकाश हजार गुना बढ़ जाए और ये महल जगमगा उठे। तो प्रभुपाद जी उनकी बात सुनने के बाद अपनी छड़ी उठाते हैं और वहां खड़े सभी भक्तों की तरफ छड़ी दिखाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, ये मेरे हीरे जवाहरात हैं,
मुझे बाहर के हीरे जवाहरातों की जरूरत नहीं है, ये जो सामने मेरे खड़े हैं ये भक्त ही मेरे रत्न हैं। तो ये धन, वास्तविक धन प्रभुपाद हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो उनमें से एक भक्त के विषय में हम आज से चर्चा करना चाह रहे हैं। आज और कल 2 दिन हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर कल नहीं समाप्त हो पाया तो देखेंगे, परसों भी एक दिन ले सकते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे आज और कल में इनकी लीला संक्षिप्त में चर्चा कर सकें। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद की एक वरिष्ठ शिष्या अलादिनी माता जी। इनका जन्म अमेरिका में हुआ 1949 वर्ष में। बचपन का नाम था लिंडा और बहुत ही अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ था। मिशिगन राज्य में रहती थी, पिताजी एक डॉक्टर थे, माता घर गृह कार्य संभालती थी, एक बड़ी बहन थी और एक भाई था। बहुत ही अच्छा परिवार, पैसे की कोई कमी नहीं, प्रेम की कोई कमी नहीं, और बड़ी ही चुलबुली, कूदती खेलती, खूब सारे दोस्त बनाने वाली ये लिंडा बचपन से ही बहुत सबका प्रेम अर्जित करती थी। बाहर खेलना काफी पसंद था, बच्चों से मिलना, दोस्ती करना, और एक और अच्छी खासियत थी, बहुत सारी कविताएं लिखा करती थी। तो बचपन से ही कविताओं कविताएं लिखने का बड़ा शौक था। एक दिन बाहर घूमने गई, एक कुत्ते को ठिठुरता हुआ देखा, ये बचपन की बात है, तो बोली हम इतने आराम से रहते हैं, ये बेचारा कुत्ता यहाँ ठिठुर रहा है, तो उस कुत्ते को घर पे लेके आ गई। तो मम्मी ने बोला अरे ये क्या किया तुमने, बोले मम्मा हमारे पास तो जगह है तो हम इसको रख सकते हैं। तो ठीक है, अमेरिका में तो कुत्ता पालने का प्रचलन था तो उसको रख लिया। कुछ दिन बाद एक मेंढक को उठा के लेके आई। तो मम्मी बोली अभी ये मेंढक को क्यों उठा के लेके आई हो, बोले मम्मा मैं देख रही थी ये भी अकेला बैठा था, इसका कोई साथ में था नहीं, इसको भूख भी लग रही होगी, ठंड भी लग रही होगी, तो मिशिगन में काफी बर्फ भी पड़ती है तो ठंड का समय था, तो मैंने सोचा इसको भी मैं ले आती हूँ, तो एक मेंढक को भी उठा के लेके आ गई। तो ये बचपन से इस तरह उनका स्वभाव था, कारुण्य हृदय था। एक बार स्कूल में जब पढ़ाई कर रही थी तो 11th या 12th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट उनको मिला करने के लिए, एक चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना था। तो चूहे को मारना नहीं था लेकिन उसका बिहेवियर को एक्सपेरिमेंट करना था कि चूहा किस किस परिस्थिति में कैसा बिहेवियर करता है। तो 3-4 दिन का एक्सपेरिमेंट था, तो सब बच्चों को एक एक चूहा दिया गया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक पिंजरे के अंदर, और सभी बच्चों को उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना था। तो 3-4 दिन का जब एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, उनके बिहेवियर की स्टडी करना था वो हो गया, तो फिर टीचर ने उनको बोला कि आप ये चूहे अब हमको वापस कर दीजिए। तो ये जो लिंडा थी इन्होंने पूछा कि अच्छा आप इन चूहे का क्या करोगे फिर, तो बोले अब हम इनको मार देंगे क्योंकि हम बाहर तो छोड़ नहीं सकते, हम एक्सपेरिमेंट के लिए लाए थे, अभी इनका बिहेवियर स्टडी हो गया, अब हम इनको मार देंगे। तो ये लिंडा बोलती है कि मेरा चूहा तो पहले ही भाग गया, वो तो है ही नहीं, और झूठ बोल के पिंजरा सहित अपने चूहे को अपनी ड्रेस के अंदर छुपा के घर लेके आ गए। तो फिर उनकी मम्मी बोली अरे तुम्हारे पेट में क्या हुआ, इतना पेट बड़ा कैसे हो गया, तो उन्हें अंदर से निकाला पिंजरे के साथ चूहा। मम्मी बोलती है बेटा तुम कितने लोगों को घर लेके आओगे, बोली मम्मा थोड़ी तो जगह लेगा ना चूहा, क्या मैं आधी रोटी कम खाऊंगी उसको दे दूंगी। तो इस तरह सरल, इस तरह करुणावान बचपन से वो थी। बाद में वो हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुई और कॉलेज में चली गई। कॉलेज में एक लड़के से उनकी मुलाकात हुई जिनका नाम था माइक, और उन दोनों ने निश्चय किया कि हम शादी करेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर पूरा होने के बाद उन दोनों ने शादी की। लेकिन ये दोनों जब आपस में बात करते थे तो ये सोचते थे कि ये भौतिक संसार में कोई सुखी नहीं है। देखो हम लोग इंडिया में बैठे हैं और हमको लगता है कि सुख प्राप्त करने के लिए हमको पाश्चात्य जगत में जाना चाहिए, और ये पाश्चात्य जगत के दो युवा युवती हैं, अभी अभी शादी हुई है, अभी अभी कॉलेज में भी हैं, और दोनों बैठ के चर्चा क्या कर रहे हैं कि भौतिक संसार में कोई सुख नहीं है, तो क्या करा जाए, कुछ तो नया करना है, हमें सत्य की तलाश करना है। तो इनका जो पति था माइक था वो आध्यात्मिक रूप से बहुत ही उत्सुक था, तो वो अलग अलग किताबें बटोर के लाता था हमारे ईस्टर्न फिलॉसफी की, जो हमारे पूर्वी देश हैं जैसे इंडिया,
या चाइना या अलग अलग देशों से जो किताबें जाती थी उन किताबों को लेकर के आता था और दोनों साथ में बैठ के पढ़ते थे। लेकिन फिर भी दोनों को संतुष्टि नहीं मिल रही थी कि अरे इतना कुछ ये लोग बता रहे हैं लेकिन संतुष्टि नहीं है। अच्छा, उसी समय अमेरिका में हिप्पी मूवमेंट भी चल रहा था, तो कई लोग ड्रग्स का आस्वादन करते थे, कई लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते थे, तो ये दोनों संतुष्ट नहीं थे। एक दिन माइक ऐसे ही टहलता हुआ सड़क पे जा रहा था, और क्या हुआ उसके साथ, एक भक्त उसको मिल गया। एक भक्त ने उसको बोला कि ये शिला प्रभुपाद की पुस्तक है, छोटी सी पतली सी पुस्तक, आप ये पुस्तक को ले लीजिए। तो ये तो पुस्तकों का प्रेमी था ही, ये छोटी सी वो पुस्तक को लेके आ गया और शाम को बैठ करके दोनों ने पढ़ना शुरू किया। दोनों पति पत्नी बैठ के उस पुस्तक को पढ़ रहे थे। पूरी रात उन्होंने उस पुस्तक को एक ही रात में पूरा पढ़ा, कवर टू कवर, शुरू से लेके आखिरी तक। और इतना प्रभावित हो गए, इतना प्रभावित हो गए कि हम जो ढूंढ रहे थे हमको मिल गया। उन्होंने कभी कृष्ण के बारे में इससे पहले नहीं सुना था, पहली बार प्रभुपाद की पुस्तक में कृष्ण नाम पढ़ा है, पहली बार प्रभुपाद की पुस्तक में भागवत के विषय में सुना, और पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। देखिए, हम में और इनमें क्या अंतर है? हमको लगता है हमको सब आता है, ये हमारी समस्या है। और ये भक्तों ने जब प्रभुपाद से मिले तो जानने के लिए तैयार थे, ये उत्सुक थे। हम कब उस तरह विनम्र होंगे? हम कब उस तरह सीखने के लिए तैयार होंगे? हम कब अपने अहंकार को छोड़ेंगे? कृष्ण अहंकारी लोगों के पास नहीं आते। हमको अगर लगेगा हमको सब कुछ पता है, इसका मतलब हमको कुछ भी नहीं पता है। ये दोनों पति पत्नी जो कृष्ण से कोसों दूर थे, कृष्ण के विषय, वृंदावन के विषय में, भागवतम के विषय में, जिनको कुछ भी नहीं पता था, आज एक रात के अंदर कृष्ण के लिए पागल हो गए। हम इतने दिन से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर क्यों नहीं वो उत्सुकता हो रही? क्योंकि हमको लगता है हमको सब पता है। ये समस्या है, ये अपराध है, अनर्थ है। हमको इस अनर्थ से छुटकारा पाना है। जब हम वैष्णवों के पास जाएं तो उस भावना से जाएं कि मैं सीखना चाहता हूं। दोनों के अंदर ये भावना आ गई कि अब हमको कृष्ण को ढूंढना है, क्योंकि उन्होंने पुस्तक में पढ़ा था कि कृष्ण को समर्पण करना चाहिए। तो अभी कृष्ण कहाँ मिलेंगे? प्रभुपाद जी ने बोला कि आप केवल आनंद प्राप्त कर पाएंगे अगर आप कृष्ण से संपर्क में आ जाएंगे। तो अभी कृष्ण को ढूंढे कहाँ? प्रभुपाद जी ने एड्रेस तो दिया नहीं कि कृष्ण का यहाँ पर एड्रेस है, तो क्या करें? दोनों प्रार्थना करने लगे, आकाश को देख के दोनों प्रार्थना करने लगे कि हे कृष्ण, हम नहीं जानते आप कहाँ हैं, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि आप हमको सुन रहे हैं, हम आपको समर्पित होना चाहते हैं। तो ऐसी कृपा कीजिए कि हम अपने आपके भक्तों के संपर्क में आ जाएं। देखो, एक गंभीर भक्त को भगवान दिशा देते हैं। आज हम सुबह भी भागवत कक्षा में चर्चा कर रहे थे कि जितनी गंभीरता से हम भगवान के पास आएंगे ना, उतना ही भगवान हमको गंभीरता से लेंगे, उतना ही गंभीरता से भगवान हमें दिशा देंगे। दोनों खूब आंखों में आंसू आ गए हैं, दोनों एकदम गंभीरता से पति पत्नी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्ण, हम नहीं जानते आप कहाँ हैं, लेकिन आप हमको सुन रहे हैं, तो आप कृपया करके हमको आपके भक्तों से मिला दीजिए। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन दोनों जब बाहर जा रहे थे, भक्त मिल गए तुरंत। भगवान देरी नहीं करते हैं, जो गंभीर है उसके लिए देरी नहीं करते हैं। तुरंत भक्त मिल गए। भक्तों ने उनको बोला, आप चलिए हमारे साथ मंदिर चलिए। तो वो डिट्रॉइट शहर में रहते थे, वहां मंदिर में गए। जब उन्होंने मंदिर देखा तो उनको लगा कि हम अपने घर आ गए हैं। हर चीज मंदिर की उनको अच्छी लगने लगी, मंदिर का प्रसाद, मंदिर के भक्त, मंदिर का विग्रह, मंदिर में कीर्तन, मंदिर के कार्यक्रम, मंदिर में संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ उनको अच्छा लगने लगा। देखिए, भक्ति में जब हम नए नए होते हैं ना, सब अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि हम अपराध नहीं करते हैं। अपराध शून्य हृदय में भगवान आकर्षण पैदा करते हैं भक्ति के लिए। जब अपराध करने लगते हैं फिर सब बुरा लगने लगता है। वही कीर्तन, अब उसमें गलतियां दिखने लगती है। वही प्रसाद, अब उसमें गलतियां। वही भक्त, अभी उनमें गलतियां दिखने लगती है। तो ये कितना दुर्भाग्य है। ये दोनों बड़े गंभीर भक्त थे, बड़े उत्सुक थे,
नए दोनों पति पत्नी वहां मंदिर में गए और टेंपल प्रेसिडेंट से मिले, भगवान प्रभु उधर के टेंपल प्रेसिडेंट थे, तो भगवान प्रभु से मिले। भगवान प्रभु बोलते हैं कि क्यों ना आप मंदिर में ही रहने लगिए। तो ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, अरे ये क्या संभव है? बोले हाँ आप दोनों मंदिर में रह सकते हैं। तो उस समय पर भक्त लोग सभी मंदिर में रहते थे, ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो सन्यासी हो, सभी मंदिर के अंदर ही रहते थे। तो टेम्पल प्रेसिडेंट ने बोला ठीक है आप भी मंदिर में शिफ्ट हो जाइए। तो ये लोग घर गए, घर जाके माइक बोलता है कि लिंडा तुम रेडी हो, हम मंदिर में शिफ्ट होना चाहते हैं। तो ये बोलती हैं कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं शिफ्ट हो जाती हूँ, क्योंकि हमको कृष्ण को तो प्राप्त करना ही है, लेकिन ये बहुत बड़ा त्याग होगा, क्योंकि एक महिला के लिए अपने गृहस्थी छोड़ना, घर छोड़ना और मंदिर का जीवन जीना ये बहुत कठिन है। ब्रह्मचारी के लिए फिर भी आसान है, अपना घर त्याग देना, एक कॉमन हॉल में बहुत सारी माताएं एक साथ सोया करती, एक साथ उनको नहाने जाना है, एक जो प्रसाद बना है वही खाना है, समय पर उठना है, समय पर बैठना है, ये सामान्य त्याग नहीं है। तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, तो उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया। लेकिन दोनों दोनों ने निश्चय किया कि देखो हमारा तो इतना सामान है, हमारे इतने सारे कपड़े हैं, हमारे इतने अच्छे अच्छे गैजेट्स हैं, हमारे इतने अच्छे अच्छे शोपीस हैं, तो ये सब को छोड़ के कैसे जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इनको ट्रक में भर के ले जाते हैं, मंदिर में ही ले जाएंगे, तो मंदिर में ही सब सजा लेंगे, मंदिर में ही कपड़े रख लेंगे और बढ़िया रहेंगे। तो उन्होंने एक ट्रक में सारा सामान भर लिया, और उस समय पर अमेरिका में ये रेंटल ट्रक चलते थे, तो आपको रेंट पे लेना है, ट्रक ड्राइव करके जाइए, सामान पैक कीजिए, जहां भी पहुंचाना है वहां पहुंचा के ट्रक को वापस दे दीजिए। तो इन्हें रेंटल ट्रक बुक किया, सारा सामान उसमें भरा और ये ड्राइव करके मंदिर की तरफ जाने लगे। लेकिन भगवान सोच रहे थे ये समर्पण करने आ रहे हैं कि क्या अर्पण करने आ रहे हैं, ये सारा सामान लेकर कौन त्यागी बनता है, ये मंदिर आ रहे हैं पूरा टिम टाम लेके। तो जैसे ये लोग ट्रक ड्राइव कर रहे थे, ये दोनों तो आगे बैठे थे, ट्रक का पीछे का गेट अपने आप टूट के खुल गया चलते हुए ट्रक में। और चलते हुए ट्रक में अगर ऐसा पीछे का गेट खुलेगा तो क्या होगा, जितना सामान पीछे रखा था वो सब रोड पर फैल गया, और क्योंकि कई गाड़ियां आ रही थी तो कई गाड़ियां उसके ऊपर से गुजर गई, किसी ने तोड़ दिया, मरोड़ दिया, कपड़े सारे कुचल गए, सब सामान बर्बाद हो गया। ये दोनों एकदम शॉक हो गए, इनने ट्रक रोका, पीछे देखा, सारी इनकी गृहस्थी खत्म। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लगता है भगवान कृष्ण चाहते हैं कि हम अपना सारा कर्मी जीवन यही छोड़ के जाएं। वो नहीं चाहते कि हम पैंट शर्ट पहने, वो नहीं चाहते कि हम अपना कर्मी जीवन जिए, सब वहीं पर छोड़ना चाहते हैं। पूरा बैरागी बाबा बन गए लोग, पूरा सामान गया। मंदिर आए, भक्तों को बताया क्या हुआ है, तो भक्तों ने बोला हाँ भगवान यही बोलते हैं कि जब मैं किसी को ज्यादा प्रेम करता हूँ तो उसका सब कुछ ले लेता हूँ, तो लगता है भगवान आपसे ज्यादा प्रेम करने लगे हैं, तो इसीलिए अब आप मंदिर में फुल टाइम बन जाइए। तो भक्तों ने उनको वैष्णव वेशभूषा दी, माइक को धोती कुर्ता पहनना सिखाया, उनका हेड शेव किया, और लिंडा को भी साड़ी पहनना सिखाया भक्तों ने, कि साड़ी कैसे पहनना चाहिए, पल्लू कैसे रखना चाहिए। प्रभुपाद जी के समय में सारी माताएं सिर पर पल्लू रखा करती थी, सिर साड़ी पहनती थी। अभी देवी शक्ति माता जी बता रही थी कि वो जब भारत आई तो उनको शौक लगा कि भारत की माताएं सिर पे पल्लू नहीं डालती हैं, लेकिन प्रभुपाद ने विदेश में सिखाया था कि सबको पल्लू डालना चाहिए। तो जो भी हो, उन्होंने सीखा किस तरह वैष्णव वेशभूषा पहननी चाहिए, क्योंकि वैष्णव वेशभूषा सात्विक सात्विक विचारधारा बताती है कि हम कैसे सतोगुणी जीवन जिए। इसीलिए उन्होंने वैष्णव वेशभूषा अपनाई और फिर मंदिर में सेवा करने लगी। अब मंदिर आने के पहले माइक ज्यादा गंभीर था, लेकिन मंदिर आने के बाद लिंडा ज्यादा सिंसियर हो गई, वो और ज्यादा गंभीर हो गई भक्ति में। अब वो सभी भक्तों को पूछा करती कि अभी क्या सेवा करना है, 19 साल की लड़की है, ऐसे कोई बड़ी बड़ी लड़की नहीं है, 19 साल की लड़की है। सबको पूछा करती थी कि कैसे मैं आध्यात्मिक उन्नति करूं। तो उनके जो टेंपल प्रेसिडेंट थे भगवान प्रभु, उन्होंने बोला कि आध्यात्मिक उन्नति होती है गुरु के आदेशों को पालन करने से। तो आप एक काम कीजिए,
प्रभुपाद को पुस्तक लिख, प्रभुपाद को पत्र लिखी। उस समय फोन तो हुआ नहीं करते थे, फोन होते थे लेकिन फोन को बुक करना पड़ता था और उसके बाद फिर बात हो सकती थी, सबके पास तो ऐसी फैसिलिटी थी नहीं, तो पत्र से ही कम्युनिकेशन होता था। तो उन्होंने पत्र लिखा प्रभुपाद को, पत्र में लिखा कि श्रील प्रभुपाद हम बहुत कृतज्ञ हैं, आपकी पुस्तक पढ़ के हम भक्तों से मिले और अब हम मंदिर में रहते हैं, हम सेवा करते हैं और हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट ने हमको बताया है कि हम आध्यात्मिक रूप से गंभीर बने, आपके निर्देश हम चाहते हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि आध्यात्मिक रूप से गंभीर होने के लिए गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी शिष्या बनूं, क्या आप मुझे अपनी शिष्य की शिष्या के रूप में स्वीकार करेंगे? ऐसा उन्होंने पत्र लिखा। 3 साल तक कोई रिप्लाई नहीं आया। आप सोचिए, 3 साल हो गए कोई रिप्लाई नहीं आया। अगर हम और आप होते तो हम सोचते, अरे छोड़ो ये गुरुजी, छोड़ो दूसरी जगह जाते हैं। वो 3 साल हो गए आप रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, कहीं और जाएंगे, 2 महीने में दीक्षा हो जाएगी। ऐसा इन्होंने नहीं किया। दीक्षा एक संबंध है गुरु के साथ, ये शाश्वत संबंध है। चक्षुदान दिलोजयी, जन्मे जन्मे गुरु से, जन्मे जन्मे प्रभु से। ये जन्म जन्म का संबंध शिष्य और गुरु के बीच में होता है। शिष्य अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करता है और गुरु कभी भी शिष्य को छोड़ते नहीं है, कभी भी नहीं छोड़ते। एक बार गुरु ने शिष्य को स्वीकार कर लिया तो कभी भी गुरु शिष्य को नहीं छोड़ते। हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन में भी किस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु लोकनाथ गोस्वामी के पास कितनी बार गए दीक्षा प्राप्त करने के लिए, दीक्षा मांगने के लिए, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी क्या बोलते थे, मैं योग्य नहीं हूँ किसी को दीक्षा देने के लिए। फिर बाद में वो लोकनाथ गोस्वामी की सेवा किया करते थे छुप करके, वो सुबह जो मल त्याग इत्यादि करके आते थे उसको साफ करते थे। एक राजकुमार, एक जमींदार का लड़का इस तरह सेवा करता था और ये देख के लोकनाथ गोस्वामी का हृदय पिघल गया, उन्होंने उनको दीक्षित, एक ही शिष्य बनाया लोकनाथ गोस्वामी ने, नरोत्तम। इसी तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती की भी कहानी आती है। तो ये गुरु और शिष्य के बीच का संबंध है, गुरु शिष्य को कई बार परीक्षा भी करते हैं। 3 साल तक जब कोई रिप्लाई नहीं आया फिर भी अलादिनी माता जी सेवा करती रही। एक दिन एक विशेष घटना होती है, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, 2 मिनट की वीडियो है, इंग्लिश में है लेकिन मैं उसका हिंदी अनुवाद भी करूंगा। 2 मिनट की वीडियो है लेकिन आप समझ समझ में आपको आएगा क्या हो रहा है। एक दिन, ये ड्रामा में से है, असली अलादिनी माता जी नहीं है इस वीडियो में, ड्रामा है, लेकिन उसमें आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। जस्ट 1 सेकेंड, आप देख पा रहे हैं? जी प्रभु जी प्रभु ओके। लिंडा क्लोज योर आईज व्हाई ओ कम ऑन जस्ट डू एज वी से ओके व्हाट नाउ व्हाट विल यू गिव अस इफ वी शो यू समथिंग वंडरफुल I'll offer you my most humble prostrated obeisances. Okay then, Linda. Behold, as the grace of God showers upon you. Don't tell me. Can you believe that? She had Prabhupada's reply. Yes. Yes. But I wrote to him 3 years ago. She had Prabhupada. He's so busy. But he wrote to me? An insignificant song. Read it. My dear daughter Linda, please accept my blessings. I am in due receipt of your nice letter, dated 26 March 1970, asking to become my initiate disciple. I'm very glad to know that you're strictly observing the rules and regulations of Krishna consciousness faithfully. And now, I'm very glad to accept you as my initiated student. Jai! Jai!
I am returning here with the beads duly chanted by me. Wow. Your initiated name will be Ladini Devi Dasi. Ladini! Dar Krishna's internal potency is called Ladini. Ladini is Srimati Radharani. She is the most confidential servant of the Lord. And Ladini Dasi means the servant of Krishna. Beautiful. And Radharani, your ever well wisher. Esi Bhakti Vedanta Swami. So happy. Ladini. Krishna is Ladini. Yes, Prabhupada's Ladini. Prabhupada's Ladini. Such a beautiful name. Amazing. हरे कृष्ण। तो वीडियो में देखा किस तरह 3 साल बाद उनको पत्र आया और वो पत्र देख करके ही रोने लगे कि श्रील प्रभुपाद इतने व्यस्त हैं, 3 साल बाद मुझे पत्र लिखा है। और पत्र में उन्होंने प्रशंसा की और प्रभुपाद ने उनको माला भेजी स्वयं जप करके, और प्रभुपाद ने बोला कि आज से तुम मेरी शिष्या हो, और प्रभुपाद ने उनको नाम दिया अलादिनी देवी दासी। अलादिनी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति का नाम है। अलाद मतलब आनंद, जो कृष्ण को आनंद दे। कौन है वो? श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी का नाम स्वयं उनको प्राप्त हुआ। प्रभुपाद ने उनको और भी निर्देश दिए कि आप मंदिर के सेवा में लगिए, मैंने जो निर्देश अपनी पुस्तकों में दिए हैं वो पुस्तकों के निर्देश को पालन कीजिए, और मैं आपको वादा करता हूँ, प्रभुपाद ने उस तरह पत्र में आगे लिखा था कि मैं आपको वादा करता हूं कि आप भगवत धाम अवश्य जाएंगे। तो यह प्रभुपाद जी का प्रॉमिस, प्रभुपाद जी की प्रतिज्ञा थी। देखिए, शिष्य गुरु को जब ग्रहण करते हैं तो कुछ वादे गुरु से करते हैं कि मैं 16 माला का जप करूंगा, 4 नियम का पालन करूंगा। ये वादे हम अपने लिए ही करते हैं, लेकिन गुरु भी उस समय एक वादा करते हैं। गुरु वादा करते हैं कि मैं आपको भगवत धाम जरूर ले जाऊंगा। तो उनका वादा कितना बड़ा वादा है। हमारे वादे तो हमारे लिए ही है कि हम माला करेंगे, हम 4 नियम का पालन करेंगे, लेकिन गुरु जो वादा करते हैं वो हमारे लिए करते हैं कि मैं आपको अवश्य भगवत धाम ले जाऊंगा। तो माता जी ने श्रील प्रभुपाद के निर्देश बहुत ही गंभीरता से लिए। वो सुबह मंगला आरती के पहले उठती, तैयार होती, सभी भक्तों के साथ मंगला आरती में जाती और 2 घंटे बहुत ही तल्लीनता से, बहुत ही निमग्न होकर हरिनाम का जप करते। माता जी के जो सह गुरु भाई बहन थे वो बताते हैं कि उनका जप बहुत अच्छा था। एकदम आंखें बंद करके एक एक शब्द बहुत ही गंभीरता से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरिनाम का जप करती, भागवतम क्लास में अपनी उपस्थिति देती, फिर पूरा दिन सेवा में करती। भक्त लोग बोलते थे ये तो सेवा की प्यासी है, हमेशा सेवा मांगती रहती है, भक्तों की सेवा, प्रभुपाद की सेवा, विग्रहों की सेवा। तो उनकी सेवा इतनी सब भक्तों को पसंद आने लगी कि एक विशेष सेवा उनको मिली। श्रील प्रभुपाद उस समय पर अपनी पुस्तकों का जो अनुवाद करते थे, प्रभुपाद जी उसको डिक्टाफोन में रिकॉर्ड करते थे। प्रभुपाद लिखते नहीं थे, प्रभुपाद संस्कृत में, बंगाली में जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की टिप्पणियां हैं उनको सबको सामने रख लेते थे और उनको देख करके प्रभुपाद रिकॉर्ड करते थे अपनी पुस्तकों। तो ये रिकॉर्डिंग किसी ना किसी भक्त को टाइप करनी रहती थी सुन के। अब दिक्कत ये थी कि प्रभुपाद जी का जो एक्सेंट था, जो उनकी बोलने की शैली थी, वो बंगाली काफी उसमें एक्सेंट था, तो कई जो विदेशी भक्त थे वो बंगाली एक्सेंट पकड़ नहीं पाते थे, तो कई बार ट्रांसक्रिप्शन में, टाइपिंग में गलतियां करते थे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन भक्त है जो गंभीरता से सेवा को करे, क्योंकि प्रभुपाद हर रात को 4 से 5 घंटे
किताबें ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड करते थे, मतलब हर रात को 4 से 5 घंटे की रिकॉर्डिंग आने वाली है, और उसको सुन के टाइप करने में 2 दिन का समय लगता था। तो उन्होंने माता जी को सिलेक्ट किया, अलादनी माता जी को इस सेवा मिली, मतलब पूरी पृथ्वी में सबसे पहले प्रभुपाद की पुस्तक सुनने का मौका उनको मिला, क्योंकि जब टाइप होगी तब प्रकाशित होगी तब बाकी भक्त पढ़ेंगे, लेकिन ये माता जी सबसे फ्रेश फ्रेश जो प्रभुपाद की रिकॉर्डिंग होके टेप्स आती थी उन टेप्स को सुन करके माता जी ट्रांसक्राइब करती थी। और जब हम इस तरह सेवा में तल्लीनता से अपने आप को निमग्न करते हैं तभी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। दिन भर भक्त लोग देखते थे कि ये दिन भर बैठ करके बिना थके बिना रुके प्रभुपाद जी की रिकॉर्डिंग सुन के ट्रांसक्राइब करती हैं। देखो हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत होना चाहते हैं लेकिन बिना सेवा के हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं होते हैं। हमको ये सोचना चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूं मेरे लिए, ऐसा नहीं है कि मेरी सेवा से किसी का फायदा होने वाला है। आज मैं नहीं रहूंगा तो बहुत सारे भक्त हैं सेवा करने के लिए, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं रहूंगा तो देखो इन लोगों का कितना नुकसान हो जाएगा। नहीं, आज मेरी सेवा चली जाएगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मुझे सेवा चाहिए, सेवा की मुझे आवश्यकता है, मेरी सेवा को आवश्यकता नहीं है, ये भावना होनी चाहिए। तो 2 दिन पूरा लगते थे एक टेप टेप को ट्रांसक्राइब करने के लिए, दिन भर माता जी उस तरह सेवा में लगी रहती थी। उसी बीच उनके पति माइक उनके पास आए और बोलते हैं कि हमको क्लेवेंट ओहायो जाना है, हम वहां सेवा करेंगे क्योंकि वहां से हमको निमंत्रण आया है, उस मंदिर में हम सेवा करने के लिए जाएंगे। तो अलादिनी माता जी अपने पति के साथ वह डिट्रॉइट मंदिर से क्लेवेंट मंदिर में चली गई, वहां सेवा करने लगी। एक दिन बहुत विशेष घटना हुई, प्रभुपाद जी ने उस मंदिर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह बनाने की अनुमति दी। तो एक भक्त था जिसका नाम प्रभुपाद जी ने रखा था विश्वकर्मा, प्रभुपाद ने उसको बोला कि तुम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह बनाओ। तो ये 1969 या 72 इसके बीच की बात है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह जब प्रथम बार अलादिनी माता जी ने देखे, उसके पहले उन्होंने फोटोज देखे थे भगवान के, विग्रह नहीं देखे थे, पहली बार जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह देखे माता जी पूरी तरह से प्रेम में जगन्नाथ के डूब गई, उनकी आंखें जगन्नाथ से दूर ही नहीं हट रही थी, पूरा जैसे कोई वश में कर ले ऐसा जगन्नाथ ने तो उनको वश में कर लिया। घंटों घंटों वो जगन्नाथ के दर्शन करती रहती थी, एक बार तो वो पूरे 5 घंटे, 5 मिनट नहीं बोल रहा हूं मैं, हमारा तो 3 मिनट में 5 उल्टा का दर्शन हो जाता है, 5 मिनट नहीं 5 घंटे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के सामने खड़ी थी। भक्त लोग गुजर रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं देख रहे हैं अरे इसको क्या हो गया, 5 घंटे से खड़ी है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के सामने। इतना आकर्षण भगवान के प्रति उनका देख के भक्तों ने उनको पुजारी बना दिया कि आप ही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के पुजारी, आज से आप सेवा कीजिए। तो उनका तो हृदय गदगद हो गया, मैं स्वयं जगन्नाथ को स्पर्श कर सकती हूँ, मैं उनको डेकोरेट कर सकती हूँ, मैं उनको भोग लगा सकती हूँ, मैं उनकी आरती कर सकती हूँ, बहुत गदगद हो गई। तो वो जगन्नाथ की सेवा में लग गई। जब हम गंभीरता से सेवा के लिए भावना रखते हैं तभी भगवान सेवा देते हैं, हर किसी को सेवा नहीं मिलती है। हम कभी आपस में इस तरह बोलते हैं ना, अरे इनको क्यों सेवा मिलती है हमको क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि हृदय से गंभीरता से हमने सेवा की अपेक्षा कभी की ही नहीं। हम अगर गंभीरता से सेवा की अभिलाषा करेंगे तो भगवान हमें अवश्य सेवा देंगे। तो उस तरह माता जी की भावना देख करके उनको सेवा मिली। कई बार प्रभुपाद को वो पत्र लिखा करती, अपने प्रश्न पूछा करती और जगन्नाथ की सेवा करती। जब वो नृत्य भी करती आरती के समय तो हमेशा जगन्नाथ की तरफ ही एकटक दर्शन करते करते नृत्य करती, इधर उधर नहीं देखती थी। उस तरह जगन्नाथ और उनके बीच में एक विशेष संबंध स्थापित हो गया। फिर उनके मंदिर अध्यक्ष ने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप लॉस एंजलिस जाइए, क्योंकि उस समय पर इस्कॉन के हेडक्वार्टर्स लॉस एंजलिस में थे और वहां पर विग्रहों की पूजा का स्तर बहुत ऊंचा था। तो उन्होंने बोला कि आप जाइए वहां से विग्रहों की पूजा कैसे करनी चाहिए और अच्छे से सीख के आइए। तो अलादिनी माता जी अपने पति के साथ वहां पर चली गई। लेकिन वहां एक और घटना हुई, वहां उनके पति को निमंत्रण मिला न्यू वृंदावन जाने का, नव वृंदावन जाने का। अभी नव वृंदावन एक हाँ बहुत बड़ा हाँ
समुदाय था, बहुत बड़ी एक लैंड थी जो प्रभुपाद ने खरीदी थी, और ये लैंड भक्तों के द्वारा निर्मित करने वाले था वृंदावन जैसा ही माहौल। जैसे वृंदावन में गोस्वामियों के सप्त देवालय हैं, सप्त मंदिर हैं, वैसे ही सात मंदिर प्रभुपाद की इच्छा थी कि न्यू वृंदावन में भी बने। तो इसीलिए प्रभुपाद वहां पर भक्तों को भेज रहे थे। तो वहां के जो लीडर थे उनका नाम था कीर्तनानंद स्वामी। कीर्तनानंद महाराज ने उनके हस्बैंड को बोला, हलादिनी माता जी के हस्बैंड को, कि क्यों ना आप न्यू वृंदावन में आ जाइए, वहां पर बहुत सारी सेवा है, वहां पर प्रभुपाद चाहते हैं सात मंदिर बनाने के लिए। तो माइक ने बोला कि मैं तो चलूं, लेकिन मेरी पत्नी जो है वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा से बड़ी आ सकते हैं, अब इनका क्या करें, इनको कैसे लेके जाएं। तो कीर्तनंद महाराज ने बोला कि हमारे पास भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, आप इनको लेके आ जाइए, हम इनको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सेवा दे देंगे। तो फिर दोनों पति पत्नी न्यू वृंदावन में पहुंच गए। अभी कुछ ही दिन पहले श्री श्रीमद चंद्रमौली स्वामी महाराज ने न्यू वृंदावन के विषय में बताया था, आप में से कई भक्तों ने सुना होगा। काफी कठिन जीवन न्यू वृंदावन का था, एक तो शहर से काफी दूर, वहां पर कई स्थानों पर तो बिजली भी नहीं थी, कई स्थान पे पानी नहीं था, कई स्थान पे हीटर नहीं, कोई भी व्यवस्था वैसी नहीं थी जैसी आज हम भारत में रहते हैं, वैसी भी नहीं थी। अमेरिका तो बहुत दूर की बात है, तो अमेरिका के बीच में वो जैसे मानो 10वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी में लोग रहते थे, वैसा कुछ माहौल था। तो वहां पर अलग अलग चट्टानों पे, अलग अलग पर्वतों पे अलग अलग मंदिर बनाए हुए थे। एक मंदिर था वृंदावन नाथ का, जहाँ केवल ब्रह्मचारी रहते थे। फिर एक मंदिर था वृंदावन चंद्र का, जहां पर सारा समुदाय गृहस्थ इत्यादि रहते थे। और एक बहुला वन था, ये बहुला वन काफी अंदर जंगल में जाकर के बनाया हुआ था, जहां पर एक कमरा था, केवल एक कमरा, एक छोटा सा कमरा था। उस कमरे के अंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की स्थापना की गई थी, केवल एक ही कमरा। अब वहां रहने कौन जाए, तो कीर्तनंद महाराज ने डिसाइड किया कि ये जो अलादिनी है यही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा से काफी आसक्त थी, तो इसको भेज देते हैं हम वहां पर। और इनके जो पति हैं ये सभी भक्तों के साथ यहाँ रहेंगे राधा वृंदावन चंद्र की सेवा में, क्योंकि यहाँ ज्यादा भक्तों की आवश्यकता है। अब आप सोचो 20 साल की अकेली लड़की को जंगल के बीच में, जहाँ जानवर भी हैं, जहाँ एकांत है, कई बार गुंडों ने भी वहां पर आक्रमण किया, ऐसे स्थान में 20 साल की अकेली लड़की को वहां पर भेज दिया गया। एक कमरा है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है और माता जी है, बस 20 साल की लड़की है। सेवा क्या है, उनको सुबह उठना है, 6 आरती करनी है पूरे दिन में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, आरती करनी भी है, आरती गानी भी है, और 6 बार भोग लगाना है। भोग लगाना भी है, भोग बनाना भी है। आजकल तो माता है 2-3 बार भोग बनाना भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन 6 बार भोग बनाना है, भगवान को भोग लगाना है, और 6 आरती करनी है। इन 6 भोगों में 3 छोटे भोग होते हैं और 3 बड़े भोग होते हैं, जिसमें काफी आइटम बनाने पड़ते हैं। माता जी सब अपने आप अकेले करती थी। भगवान की 2 बार पोशाक बदलना भी उनका काम था। और जब भागवतम क्लास का समय होता तो प्रभुपाद की भागवतम लेकर के जगन्नाथ के सामने ही बैठ जाती थी, वो और जगन्नाथ, सुनने वाले जगन्नाथ है, क्लास देने वाली माता जी है। 1 घंटा भागवत पढ़ के जगन्नाथ को सुनाती थी, ये उनकी भागवतम क्लास। और शाम को जब भगवत गीता क्लास का समय होता था तो भगवत गीता लेकर के बैठ जाती थी, जगन्नाथ को भगवत गीता सुनाती थी। तो ये उनका दैनिक सेवा थी। अच्छा, क्योंकि वो एक आउट हाउस था, एक काफी रिमोट लोकेशन में जंगल के बीच में था, वहां कोई पानी की लाइन नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं थी, वहां पर कोई बिजली का कनेक्शन नहीं था। थोड़ा ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूं दोबारा से, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी। इसका मतलब है जब रात होती होगी तो गुप्त अंधेरे में माता जी अकेली जंगल में रहती थी, और पानी लेने के लिए 2 मील दूर एक नदी थी जहां से उनको बाल्टी में पानी भर के लाना पड़ता था। इसी के साथ कोई टॉयलेट नहीं थी। मैं अमेरिका की बात सुना रहा हूँ, ये भारत की बात नहीं बता रहा हूँ। टॉयलेट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, 2 मील दूर जाके उनको पानी भर के लाना पड़ता था। एक 20 साल की लड़की जो इतने अच्छे घर से है, कोई पैसे का अभाव बचपन से देखा नहीं, सब कुछ छोड़ करके एक जंगल में रह रही है। उन्होंने अपनी खुद की बाथरूम बनाई,
कैसे बनाई? चार डंडे लकड़ी के गाड़े भूमि में और प्लास्टिक शीट से उसको चारों तरफ से बांध दिया। अब गेट तो था नहीं, गेट कैसे बनाएंगे, तो चारों तरफ से ही बांध दिया। अब जब चारों तरफ से प्लास्टिक शीट बांध दी तो जाएंगे अंदर कैसे? तो नीचे से रेंग करके वो अंदर जाया करती उस बाथरूम के अंदर। तो रेंग करके अंदर जाती और उधर दो ईंट रखी थी जिसपे खड़े होकर के वो स्नान करती। ये उनका बाथरूम था। स्नान करने के लिए कोई गीजर नहीं था, ऊपर खुली छत थी और न्यू वृंदावन में बर्फ भी पड़ती है, इतनी ठंड होती है, माइनस में डिग्री में टेम्परेचर होता है। तो वो जो पानी लाती थी वो कई बार बर्फ लाती थी, बर्फ को फोड़ करके उससे नहाती थी और फिर से जमीन के नीचे से रेंगती हुई बाहर निकलती थी उस मेकशिफ्ट बाथरूम से। ऐसे उनको दिन में 3 से 4 बार नहाना पड़ता था, क्योंकि विग्रहों की सेवा करनी है तो उतनी बार ही नहाना पड़ेगा जितनी बार आप खाएंगे या फिर आप मलमूत्र इत्यादि त्याग करेंगे, तो उतनी बार ही आपको नहाना पड़ेगा। सो 3 से 4 बार इसी तरह बर्फीले पानी से नहाती थी। आसपास में कई रैकून थे, भालू थे, सांप थे, अलग अलग चीजें थी जो उनको अधिकांश रूप से दिखती रहती थी। अच्छा, ये तो ही बाथरूम। टॉयलेट जाने के लिए क्या व्यवस्था थी? वो भी एकदम वीआईपी सुविधा थी। टॉयलेट जाने के लिए उनको 1 से 1.5 मील चल के जंगल के भीतर एकदम घने जंगल में जाना होता था। एक गड्ढा खुद को खोदना होता था, वहां पर अपना मल त्याग करना होता था, फिर उस गड्ढे को भरना होता था। उसके बाद वो वापस आती थी और यहाँ पर उनकी फिर रेंग करके उसके अंदर जाती थी बाथरूम में, फिर स्नान करती थी, फिर रेंग करके बाहर आके अपने कपड़े इत्यादि तैयार होके मंदिर में जाके भगवान का सेवा करती थी। जो लोगों को पुजारी सर्विस का अभ्यास है या आइडिया है, भगवान का उत्थान सुबह 4:15 4 बजे होता है, तो 4 बजे के पहले अंधेरे में जंगल में जाना आना, उस स्थिति में ठंडे पानी से नहाना, आप कल्पना करके देखिए। ये कहानी कोई सत्ययुग त्रेतायुग की कहानी नहीं है, ये प्रभुपाद जी के शिष्यों की कहानी। फिर उनके पास दो सेट थे साड़ी के, एक जो पहना करती थी और दूसरा धो के सुखाती थी, दो सेट थे। उन्होंने जब वो साड़ियों को प्राप्त किया था, सफेद साड़ी थी, लेकिन क्योंकि उनके पास कुछ साबुन नहीं था, ना खुद के ऊपर लगाने के लिए ना कपड़े धोने के लिए, तो वो साड़ियां मैली होते होते ब्राउन हो गई थी। लोगों को लगता था ये ब्राउन साड़ी पहनती है, लेकिन वास्तव में वो सफेद थी। दो ही सेट थे उनके पास, एक वो पहनती थी, एक धो के सुखाती थी। इस तरह स्थिति में वो सेवा करती। पति साथ में नहीं है, पति ब्रह्मचारियों के साथ रह रहा है, जंगल में अकेली 20 साल की लड़की रह रही है। हफ्ते में एक बार चल के ये उस चट्टान से नीचे उतर के दूसरी चट्टान पे जाती थी जहां वृंदावन चंद्र का मंदिर था, और वहां से पूरे हफ्ते का जो राशन है वो लेके आती थी जगन्नाथ की कुकिंग के लिए। पूरे हफ्ते में लगने वाला गेहूं, चावल, आटा, शक्कर इत्यादि सब लेकर के वहां से आती थी, और फिर 24 घंटे जगन्नाथ की सेवा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रात में जब वो सुलाती थी 9 बजे के बाद, उसके बाद बलराम का खड़ाऊ निकाल लेती थी ऑल्टर से बाहर, और उस बलराम के खड़ाऊ को ही सिर पे लगा करके जमीन पे सोया करती। यही उनका बिस्तर था, बलराम के खड़ाऊ को सिर पे लगा के बस जमीन पे सोया करती थी। ये उनका जीवन था। एक बार उनके पति ने चंद्रमौली स्वामी महाराज से कंप्लेन की। उन्होंने बोला कि अरे ये अलादिनी आती है, राशन लेती है, चली जाती है, मुझसे बात ही नहीं करती। तो चंद्रमौली महाराज ने बोला, तुम ना सेकंड हस्बैंड हो, पहले हस्बैंड अलादिनी के जगन्नाथ हैं, तो वो जगन्नाथ के साथ इतनी बिजी है, तुम्हारे लिए उसके लिए उसके पास टाइम नहीं है। इतनी तल्लीन थी अपने पति तक का, उनको सुध-बुध नहीं था। रोज का मैं शेड्यूल बता रहा हूँ माता जी का, 18 साल कंटिन्यूअस उन्होंने ये शेड्यूल फॉलो किया है। 18 महीने नहीं, 18 दिन नहीं, 18 साल कंटिन्यूअस बिना रुके ये सेवा उन्होंने की है। रोज 2 बजे सुबह उठती थी, 2 बजे सुबह उठती थी, जमीन पे सो करके उठती, जो चादर बिछा के उठती उसको घड़ी करती, वहां पोछा लगाती, उसके बाद भाग के जाती वन में, मल त्याग करती, फिर आती नहाती बर्फीले पानी से, वही रेंग करके अंदर जाना है, फिर रेंग करके बाहर निकलना है, उसके बाद अपना जप करती। कोई हीटिंग फैसिलिटी नहीं है, कोई हीटर नहीं है, बाहर बर्फ पड़ी हुई है, एक कमरे के अंदर जगन्नाथ के सामने बैठ करके ठिठुरती हुई अपना जप करती। 1.5 घंटे वहां पर 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक
जप किया करते हैं भगवान के सामने। 4 बजे मंगला आरती की तैयारी करते हैं, भगवान के लिए दूध गर्म करते हैं, भगवान के लिए मंगल स्वीट्स बनाए, संदेश इत्यादि लाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, मंगला आरती करते हैं, भगवान की ड्रेसिंग करते हैं, श्रृंगार करते हैं, फिर भगवान का बाल भोग बनाने के लिए चले जाते हैं। सब कुछ उसी कमरे में है। श्रृंगार आरती करती हैं तो खुद ही गोविंदम आदि पुरुषम गा करके श्रृंगार आरती करती हैं, फिर वही भागवतम लेकर के भागवतम क्लास, भगवान को सुनाना है 1 घंटा भागवतम। ये होता है प्रेममय सेवा। बिना प्रेम के कोई सेवा नहीं कर सकता है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप सेवा नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ गलती दिखने लगेंगी, कुछ ना कुछ शरीर बोल जाएगा, कुछ ना कुछ मन बोल जाएगा। सेवा बिना प्रेम के नहीं हो सकता। कोई टोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं है। अगर वो 2 बजे ना उठे तो कोई ऐसा नहीं है उनको, कोई चिल्लाने वाला है, कोई डांटने वाला है, लेकिन प्रेम के कारण ये सब सेवा कर रहे हैं। तो ये प्रेम प्रदर्शित होता है सेवा के माध्यम से। अच्छा, जो भोग बनाती थी, ऐसा नहीं था वहां पर एकदम 4 बर्नर वाला एकदम गैस कनेक्शन का वहाँ बर्नर था, ऐसा नहीं था। जंगल में जा करके सूखी लकड़ियां और पत्तियां इकट्ठे करके लाती थी, उसको जला करके भोग बनाती। कभी उन्होंने कोई पेड़ भी नहीं काटा, क्योंकि वो पेड़ को भी कष्ट नहीं देना चाहती थी। सूखी लकड़ियां उठा करके लाती और उसको जला करके जगन्नाथ का भोजन बनाती। पूरे कमरे में धुआं धुआं हो जाता, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है, भगवान की सेवा में लगी रहती। कोई पुष्प नहीं थे तो जगन्नाथ को माला कैसे पहनाए, तो प्लास्टिक लेकर के आई, प्लास्टिक तोड़ तोड़ कर उनने ज्वेलरी बनाई जगन्नाथ के लिए अपने हाथ से। प्लास्टिक की ज्वेलरी की माला जगन्नाथ को पहनाती। सब काम खुद करती, भगवान की वस्त्र बनाना, ज्वेलरी बनाना, भोग बनाना, आरती करना। आप कल्पना करके देखिए एक व्यक्ति कैसे अपना जीवन जी रहा है। तो जितना भी मंदिर का विस्तार हो रहा था वो वृंदावन चंद्र मंदिर में हो रहा था, लेकिन ये बहुलावन मंदिर केवल जगन्नाथ है और अलादिनी माता जी। एक दिन जब वो राशन लेने के लिए वृंदावन चंद्र मंदिर में आई, अच्छा 8 बज गए हैं, लेकिन मेरे पास एक दो और पास टाइम है आज के लिए, क्या 10 मिनट और ले सकते हैं, 10-15 मिनट? जी यस प्रभु जी, जी प्रभु प्रभु जी, जी, यस प्रभु प्रभु जी जी, ले सकते हैं। जी यस प्रभु जी, ठीक है। तो एक दिन वो राशन लेने के लिए आई, और जब वो राशन लेने के लिए वृंदावन चंद्र मंदिर में आई तो उनके पति बोलते हैं, अलादिनी बहुत दिन यहाँ पर हो गए और यहाँ इतनी बर्फ पड़ती है, ठंड होती है, दिक्कतें हैं, अपन मायामी मंदिर चलते हैं, मायामी में एकदम वेदर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, वहां जाके सेवा करेंगे। अलादिनी बोलती है, देखो मैं जगन्नाथ को अब नहीं छोड़ सकती, मुझे आपकी मदद करनी है, मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन मैं चली जाऊंगी तो जगन्नाथ को कौन देखेगा, मैं जगन्नाथ से इतनी आसक्त हो गई हूं, मैं नहीं जा सकती हूँ। माइक बोला, जगन्नाथ या मैं? अलादिनी चुपचाप रही, तो माइक समझ गए कि अलादिनी जगन्नाथ के साथ रहनी चाहती। अभी जो सपोर्ट लास्ट था वो भी चला गए, वो भी माया में शिफ्ट हो गए। तो अकेले मस्ती से अपनी जगन्नाथ की सेवा करती रहती थी, और काफी अच्छी कुक भी थी, काफी अच्छा भोग बनाती थी, सिनेमन रोल्स, संदेश इत्यादि जो बनाती थी मंगला आरती के लिए। और हफ्ते में एक बार जब आती थी वृंदावन चंद्र मंदिर तो भक्तों के लिए लेकर के आती थी, भक्त लोग उसको खूब पसंद करते थे। अच्छा, उनके संदेश में कोई गुलाब जल नहीं, कोई ड्राई फ्रूट नहीं, केवल जो दूध और शक्कर लेके जाती थी उसी से सब बनाती थी, लेकिन भक्त लोग खूब पसंद करते थे, क्योंकि प्रेम से की गई सेवा भगवान को, भक्तों को बहुत आकर्षण करती है। इस तरह उनकी सेवा चलती रही, चलती रही, चलती रही, काफी दिन निकल गए। सभी भक्त उनसे इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, कि जब वो हफ्ते में एक बार आती थी तो सब माताएं उनको घेर करके बैठ जाती, इतना उनको पसंद करती थी। तो ये सबको पता था कि ये जगन्नाथ के प्रति बहुत आसक्त हैं। अच्छा, वो जगन्नाथ से बात भी किया करती थी खड़े होकर, और कोई तो है नहीं बात करने के लिए, तो बहुलावन में वो और जगन्नाथ, तो जगन्नाथ से बात करती, उनके लिए पोयम लिखती। अब एक भक्त वहां था जो थोड़ा लीडर टाइप का था, वो भक्त देखता था कि ये जब भी अलादिनी आती है सारे भक्त इसको घेर करके बैठ जाते हैं, ऐसा क्या है इसके अंदर, तो वो थोड़ा उनसे ईर्ष्या करने लगा। तो वो भक्त ईर्ष्या करने लगा और वो सोचने लगा कि चलो मैं कुछ गलती इसके अंदर निकालता हूँ। जब हम ईर्ष्या करते हैं तो हमको गलतियां बहुत आसानी से दिख जाती, तो ईर्ष्या करने वाला वो भक्त
माता जी के वहां बहुला वन में एक बार गया, देख करके आया और उसने सब भक्तों को बुलाया। बोला सुनो सुनो सुनो, ये जो अलादनी है ये सेवा करने के लायक नहीं है, इसकी सेवा एकदम त्रुटिपूर्ण है। जगन्नाथ को इसने फूलों की जगह प्लास्टिक के हार पहना रखे हैं, और जगन्नाथ के सिर पे पगड़ी होना चाहिए या मुकुट होना चाहिए, उसकी जगह इसने केवल एक कपड़ा ढक रखा है। और ये खुद कितनी गंदी रहती है, देखो इसकी साड़ी मैली है, एकदम कीचड़ लगी हुई है, ये इतनी गंदी रहती है, और फिर ये एक स्त्री है, तो ये स्त्री को क्या विग्रहों की सेवा करने का अधिकार हमने दे रखा है? हम एक ब्रह्मचारी को वहां भेजेंगे, और एक काम करो, इसको कहीं और सेवा में लगा दो, या फिर इसको कहीं और भेज दो, या फिर और अच्छा होगा एक काम करते हैं, हम जगन्नाथ को ही वहां से उठा के यहाँ ले आते हैं वृंदावन चंद्र मंदिर में। अब सारी व्यवस्थाएं होने लगी। अब अलादिनी माता जी को जब ये पता पड़ा, वो एक तरह से पागल जैसी हो गई। देखिए माता जी सारी माताओं से तो बहुत खुल के बात करती थी, लेकिन वो कभी भी पुरुषों से बात नहीं करती थी, और जो लीडिंग मेंबर्स थे, जो लीडर्स थे, उनके साथ तो बिल्कुल भी बात नहीं करती थी, क्योंकि उनको कभी भी आर्ग्यूमेंट पसंद नहीं था कि ये सही है ये गलत है, आपको ऐसा करना चाहिए वैसा, ऐसा उनका स्वभाव ही नहीं था। वो केवल जगन्नाथ की सेवा करने में पूर्ण रूप से निमग्न थी। तो जब उन्होंने सुना कि जगन्नाथ को लेके जाएंगे या मुझे हटा देंगे, तो वे एक तरह से पागल हो गई और जगन्नाथ के सामने बड़बड़ाने लगी। एक पोयम उन्होंने जगन्नाथ को लिखी, और किसके सामने कंप्लेन करेंगे? उनका सोचना था कि मैं दूसरे के पास जाके क्यों अपनी शिकायत बोलूं, मैं क्यों ना जगन्नाथ को ही अपनी शिकायत बोलूं, वो सुनने के लिए मुझे हमेशा बैठे हैं, तो जगन्नाथ अगर मेरे सामने बैठे हैं, मुझे दूसरे के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं, उसको बोलनी चाहिए बात जो सुनता है, और भगवान हमारी बात सुनते हैं, और दूसरों को हमारी बात में इंटरेस्ट नहीं होता। आप कभी ट्राई करके भी देखना, किसी दूसरे को थोड़ा आधा घंटा अपनी बात बताएंगे ना, वो मोबाइल देखने लगेगा, घड़ी देखने लगेगा, इधर उधर चांद सितारे देखने लगेगा। तो जगन्नाथ के सामने गई और एक पोयम के माध्यम से जगन्नाथ को ही डांटने लगी, उनका संबंध था जगन्नाथ से, जगन्नाथ को डांटने लगी। जगन्नाथ को बोलती है, मुझे पता है तुमको बहुत ऐश्वर्य चाहिए, हाँ तुमको बहुत महंगी महंगी वस्तुएं चाहिए, मेरी सादा सिंपल सेवा तुमको अच्छी नहीं लग रही, तुमको मुकुट चाहिए, तुमको हीरे जवाहरात चाहिए, तुमको सोने के आभूषण चाहिए, तुमको मेरी प्लास्टिक की बनी हुई माला थोड़ी चाहिए, और तुम अब मेरे इस सिंपल से कमरे में नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि अलादिनी तो तुमको बड़ा गरीब रख रही है, तुमको अभी वृंदावन चंद्र मंदिर जाना है, वहां पर इतने सारे भक्तों के साथ रहना है, वहां इतना सारे वैभव के साथ रहना है, जाओ 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 चले जाओ, तुमको द्वारिका का नाथ बनना है ना, तुमको वृंदावन में थोड़ी रहना है, लेकिन एक बात याद रखना, प्रभुपाद ने मुझे नाम दिया है अलादिनी, अलादिनी दासी, अलादिनी है राधा रानी, मैं राधा रानी की दासी हूँ, मैं ब्रजवासी हूँ, मैं तुमको द्वारका जैसा वैभव नहीं दे सकती, तुम पहले ही राधा रानी को छोड़ के द्वारका चले गए थे, उस समय पे राधा रानी को कितना दुख हुआ था, और जब तुम कुरुक्षेत्र में आए उस समय पर पकड़ के राधा रानी और गोपियां तुमको वृंदावन लेकर के आ गई थी, तो ऐसे जैसे तुमको हम वृंदावन लेके आए हैं, और उसके बाद मुझे सेवा दी गई कि तुमको वृंदावन जैसा रखना है, तो मैं तुम्हें वृंदावन जैसा रख रही हूँ, वृंदावन में तो सादा जीवन है, सादा रूप से मैं तुमको रखती हूँ, लेकिन तुमको तो फिर राधा रानी को छोड़ के जाना है ना, तुमको तो द्वारका जाना है, तो तुम मेरे को मेरी सेवा क्यों पसंद करोगे, लेकिन मैं राधा रानी की सेविका हूँ, मैं राधा रानी को नहीं छोड़ूंगी, तुमको जाना है तुम जाओ, मैं इधर ही रहूंगी, मैं तुमको रोक तो सकती नहीं हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे पास बहुत सारे भक्त हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास केवल तुम ही हो, अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो जिम्मेदारी तुम्हारी है, जो मेरे साथ होगा, मुझे तुम छोड़ के जा रहे हो, मेरे जीवन में और कोई नहीं है, ये बोल के फूट फूट के वो रोने लगी। अब वो जो भक्त था, जो ये सब व्यवस्थाएं कर रहा था, वो सोच रहा था कि ये पागल हो गई, इतनी आसक्त क्यों है ये अपनी सेवा से, मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, मुझे इसको दूर कर देना चाहिए जगन्नाथ से। देखो ये अपराध कितने भयंकर होते हैं, और ऐसे भक्त के प्रति अपराध, जो केवल सेवा ही तो कर रहा है, ना तो वो लीडर है, ना तो वो कोई क्लास दे रही है, ना तो वो कोई ऐसा काम कर रही है जिससे उस भक्त को कष्ट पहुंचे, एक अलादनी जैसी साधारण सरल माता के प्रति क्या ईर्ष्या रखना है, लेकिन ये हमारे अंदर कल्मश जन्मों जन्मों का है ईर्ष्या करने का,
हम भक्तों से ईर्ष्या क्यों करते हैं? बाहर इतने सारे लोग हैं, ईर्ष्या करो ना, जितना करना है करो। दूसरों को दुख देना है, बाहर लोग हैं उनसे लड़ाई करो। भक्तों के बीच में आके क्यों लड़ाई करते हैं? भक्तों के बीच में आके क्यों दुख देते हैं दूसरे भक्तों को? हम इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पाते हैं? तो ये भक्त ईर्ष्या करने बैठा, अलादिनी माता इसी कर बैठा। और देखो कितना अपराध का फल होता है। कुछ ही दिनों में ये भक्त बड़ा कठोर ब्रह्मचारी था, लेकिन ये भक्त का एक दूसरी माता से प्रेम हो गया। और वो माता, प्रेम हुआ ठीक है, शादी कर सकता था, लेकिन शादी ना करके उस माता को लेकर के भाग गया मंदिर से और दूर कहीं चला गया, भक्ति भी छोड़ दी। ये वैष्णव अपराध का फल होता है। वैष्णव अपराध करने से हम भक्तों के समाज से दूर चले जाते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। तो ये भक्त अब अपने अपराधों का फल प्राप्त करके दूर, प्रभुपाद के आश्रय से ही दूर चला है। तो इसलिए कभी भी हृदय में भक्तों के लिए ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। हम जितने बड़े भक्त के प्रति ईर्ष्या रखेंगे, जितने महान भक्त के प्रति ईर्ष्या रखेंगे, उतना ही बड़ा हमें फल में भोगना पड़ेगा। ये अलादिनी माता ही जिनके सब कुछ भगवान जगन्नाथ थे, उनको जगन्नाथ से दूर करने की क्या आवश्यकता है? तो जब अलादिनी माता जी को पता पड़ा कि वो भक्त चले गए हैं अब और उनकी सेवा को नहीं बदला जाएगा, तो फिर वो जगन्नाथ के पास गई। और जगन्नाथ के पास जाकर एक और पोयम के माध्यम से, एक और कविता के माध्यम से जगन्नाथ को बहुत कृतज्ञता अपनी बताई। जगन्नाथ को बोले कि हे जगन्नाथ, अब मुझे कभी छोड़ना नहीं। एक बार आपने आपने प्रयास किया, लेकिन अभी मुझे कभी छोड़ना नहीं। तो उस रात में साक्षात जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता जी के सपने में आए। और सपने में आके जगन्नाथ बोलते हैं, अलादिनी मैं तुमको कभी ही नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो इस तरह माता अलादिनी का आसक्ति भगवान जगन्नाथ से बढ़ती गई। आगे हम कल सुनेंगे किस प्रकार उनके जीवन में फिर उनको और आगे निर्देश मिले। भगवान की आज्ञा से उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। प्रचार में उनका कितना साहस था, कितनी निर्भयता थी, वो भी हम देखेंगे। अभी हमने उनका सौम्य स्वरूप देखा है, अभी हमने उनकी भगवान के प्रति आसक्ति देखी है, लेकिन कल हम देखेंगे कि उनका सेवा में कितना साहस, कितना प्रचार के लिए भाव था, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद किस तरह चुनौतियों का उनने सामना किया और वैष्णव सेवा के लिए अपना प्राण त्याग कर दिया, ये सब हम कल चर्चा करने का कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। श्री अलादिनी माता जी की जय। किसी का कोई प्रश्न है? मैं बोले सुना नहीं। हरे जय माता जी। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल क्लास प्रभु जी। प्रभु जी, वो फर्स्ट बुक प्रभु जी और माता जी ने कौन सी रीड करी थी? मुझे जहां तक पता है उनको ईशोपनिषद किताब मिली थी, लेकिन हो सकता है दूसरी, उसका उल्लेख तो अभी नहीं पढ़ा, लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है चंद्रमौली महाराज ने बताया था ईशोपनिषद। एंड प्रभु जी, जैसे हमने माता जी से सीखा कि कैसे भक्ति में गंभीर होना है धीरे धीरे करके, तो अगर जैसे हमारे मन में ऐसा आता है कि भक्ति में गंभीर बनना है, हमारी सेवा को लेके गंभीर होना है, सो इनिशियल स्टेप्स क्या होनी चाहिए हमारी साइड से? देखिए, जिस तरह माता जी के जीवन में हमने देखा, जब उन्होंने प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ी तो गंभीरता से प्रार्थना की। हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए। जब शुरू करने के पहले प्रार्थना करें, जब शुरू करने के बाद प्रार्थना करें, जब शुरू खत्म करने के बाद प्रार्थना करें। और भगवान से ये बोलें कि भगवान, हम आपकी शरण में आना चाहते हैं, हम आपके भक्तों की शरण में आना चाहते हैं, तो आप हमारी मदद कीजिए। उसके बाद माता जी ने क्या किया, जब उन्होंने उस प्रार्थना का फल देखा, भक्तों से मिली, तो अपने आप को पूरी तरह से, अपने आप को पूरी तरीके से निमग्न कर दिया सेवा में। जैसा जैसा भक्त उनको सेवा में लगाते जा रहे थे, अपना 100% उन्होंने सेवा को। और फिर तीसरी चीज उन्होंने क्या की, गुरु को समर्पण किया, गुरु से आदेश प्राप्त किए। प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिए कि मेरी पुस्तकों में जो आदेश है उनका पालन करो, तो गुरु को पूर्ण रूप से समर्पण करके उन्होंने आदेशों का पालन शुरू किया। तो इस तरह उन्होंने अपने भक्ति जीवन की शुरुआत की। हमको भी उन्हीं का अनुसरण उस तरह करना चाहिए। ठीक है किशोरी माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु धन्यवाद। जी। फर्स्ट टाइम आपकी क्लास सुनी मैंने प्रभु जी, और लग रहा था बाप रे कितना ऑडियंस है आपके क्लास में।
आप छोटे से मतलब उम्र में कितनी बढ़िया आप आए ना, जी। इसलिए आपको देखने के लिए आए सब, मुझे नहीं प्रभु जी, मैं आपकी ऐसा भी क्वालिटीज सुनती है। हूँ आपके बारे में। मेरे दो प्रश्न थे, एक तो ये कि माता जी के हस्बैंड की दीक्षा नहीं हुई थी प्रभु जी, उनका उल्लेख नहीं बताया आज आपने, क्या आ गएगा? उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि वो चले गए, गया तो गया, फिर वो वापस आया नहीं। अच्छा उनका रोल उतना है नहीं, उनका रोल उतना ही था कि माता जी को उन्होंने मंदिर तक पहुंचा दिया बस, उसके बाद उनका रोल उतना था नहीं। अच्छा ठीक है। फिर सेकंड, ये तक आपने कहा था कि हमको सेवा की भूख होनी चाहिए, तो मंदिर अथॉरिटी की तरफ से प्रभु जी कोई हमको सेवा मिलती है ना, हमको 4-5 साल से कंटिन्यू करते आ रहे और एक बहुत अटैचमेंट हो जाते उस सेवा से, पर कोई हमारे जीवन ऐसे डिवोटी आते उनको लगता है कि मैं क्यों इतने सालों से सेवा कर रही हूँ, इनको ही क्यों मिल रही है, हमें भी मिलनी चाहिए, तो वो हमको सेवा से हटाना चाहते हैं, तो ऐसे इसमें क्या जो मैं वो सेवा कर हमको छोड़ देना चाहिए कि क्या करना, अथॉरिटी चाहती कि करो पर वैष्णव चाहते हैं कि नहीं करो, तो क्या करना चाहिए प्रभु जी? जो अलादनी माता जी ने किया वही हमको करना चाहिए। देखो, भगवान से बड़ा और कौन है? भगवान के पास जाके बोलना चाहिए कि भगवान, मेरा तो कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, मैं आपको सेवा करना चाहती हूँ, तो आप यदि मेरी सेवा स्वीकार करना चाहते हैं तो मुझे रखिए। वो फिर भगवान कैसे घुमा देंगे? देखो, हम नहीं चाहते हैं कि किसी भक्त का अनहित हो, जैसे इस केस में तो वो भक्त ही चला गया भक्ति से, जो माता जी की सेवा छोड़ाना चाहता था। लेकिन भगवान अपने तरीके से फिर हमको सेवा दें, हमें समर्पण के साथ भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। देखिए, अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे या अपनी सेवा के लिए ही लड़ जाएंगे तो फिर सेवा का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। सेवा का उद्देश्य है हरि गुरु वैष्णव को प्रसन्न करना, तो हम भगवान के पास जाके अपने दिल की बात बताएं, और अगर अथॉरिटी पूछती है तो उनको ही बता सकते हैं कि हम ये सेवा करना चाहते हैं। उसके बाद भगवान कैसे आयोजन करेंगे हमको उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। हो सकता है भगवान दूसरे भक्त की सेवा भी स्वीकार करना चाहें, इस केस में जगन्नाथ उनकी सेवा लेना चाहते थे, लेकिन हम देखते हैं सनातन गोस्वामी के जब मथुरा जाना होता है और वो देखते हैं मदन मोहन की सेवन पुरुषोत्तम चौबे कर रहे हैं, उसी रात मदन मोहन पुरुषोत्तम चौबे को स्वप्न में आके क्या बोलते हैं कि अब तुम्हारी सेवा पूर्ण हो गई, अब मैं सनातन की सेवा लेना चाहता, तो वो सनातन के पास वो सेवा चली गई। तो पुरुषोत्तम चौबे लड़ाई झगड़ा नहीं किए, उसको भी स्वीकार कर ले। तो हाँ, हम अपने मन की बात तो बताएंगे, हम अपनी सेवा का भाव भी बताएंगे, लेकिन फिर अल्टीमेट डिसीजन भगवान का है। भगवान जिसकी सेवा लेना चाहेंगे हम उसको सहयोग करेंगे उस तरह। जी प्रोजी, थैंक यू वेरी मच, क्लियर हुआ, थैंक यू वेरी मच। अरे रेखा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सबसे पहले तो थैंक यू प्रभु जी, इतनी अच्छी चीजें दिखाई आज आपने। प्रभु जी जैसे ये वहां फोरन में थे तो उनको ये चीजें किस उससे मतलब मिली कि भक्ति का उनको था? श्रील प्रभुपाद की कृपा से। प्रभुपाद जी जब वहां गए, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ के वो भक्ति में आए, तो प्रभुपाद जी के आश्रय में वो लोग भक्ति का अनुसरण कर रहे थे। तो वो कभी इंडिया आए वो? अलादनी माता जी आई लेकिन काफी वर्षों बाद, 20 साल बाद आई। इंडिया आने की आवश्यकता नहीं है, इंडिया में तो और ज्यादा अभी भौतिकवाद फैला हुआ है। मुख्य उनको बात तो नहीं है कि आवश्यकता, लेकिन भारत को आवश्यकता थी ना उनकी, हाँ, वो बाद ऐसे में आई थी, भक्त। हम कल चर्चा करेंगे, भारत भी आई थी बाद में, लेकिन मुख्य बात है कि कैसे उन्हें प्रभुपाद के वचनों पे इतना विश्वास था कि एक आरामदायक जीवन छोड़ के वन में रह करके बर्फीले पानी से नहा के 2 सेट कपड़े में आग जला के जगन्नाथ के लिए सेवा कर रही है अकेली महिला, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कोई आसपास में व्यक्ति नहीं है, क्या डेडिकेशन होगा उनका। तो इस तरह भक्तों से सुन के हमको सीखना चाहिए कि हम लोग क्या भक्ति में कितना गंभीर हो सकते हैं। ठीक प्रभु जी है। आंखों से आंसू आ गए सुन के, अरे बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी है, थैंक थैंक यू माता यू जी। प्रभु जी। इस तरह प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य हैं, उनकी माताएं भी शिष्य, काफी इस तरह ही प्रेरणादायक उनका जीवन रहा है। अभी हम अलादनी माता जी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कभी भविष्य में समय मिलेगा तो यमुना माता जी इत्यादि बहुत सारी इस तरह प्रेरणास्पद उदाहरण है जिनके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, सुवित सुबल प्रभु। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ये सुवित हाँ, सुबल प्रभु का बहुत आइडिया ही था।
हमको ये सेशन करना चाहिए, तो उनके आदेश से हम ये सेशन कर रहे हैं। मैं ये एक्चुअली प्रभु जी का गौरवपन है। वास्तव में प्रभु जी सबको ये कृपा देना चाह रहे थे। बहुत ही प्रेरणादायक प्रभु जी, पर एक चीज है कि ये सेशन मुझे लगता है कि आपको फिर से दोबारा करना पड़ेगा हमारे जैसे पतित आत्माओं के लिए, क्योंकि कुछ पतित आत्माओं अपने यहाँ पर जो पर्सनेट सोल्स है सबको तो मिल गया, पर प्रभु जी को नहीं मिला है। तो और आत्मा जो बचा है उनके लिए भी आपको और एक दिन 3 दिन करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, तो आप ये कृपा भी कर माता लोग दीजिएगा। यदि परमिशन देंगी, माता लोग यदि परमिशन देंगी तो हम प्रभु लोगों को भी यहाँ ला सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन हम केवल माता जी लोग कर लेंगे, ये सेशन उनके लिए है। तो माता लोग यदि इसलिए मैं परमिशन अलग देंगी तो से लाएंगे। इसलिए मैं अलग से क्योंकि आज का दिन तो मिस ही हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी शिक्षाएं थी और बहुत ही प्रेरणादायक। तो ये ठीक है, कृपा फिर अलग यदि से आप करें करेंगे। प्रभु जी। ओके ठीक है, अलग से करेंगे। मुझे प्रभु दो जी, बार आज दो आपने बार प्रभु जी आज आपने ऐसा डिस्कस किया ना कि हम आत्माएं हैं, स्त्री और पुरुष अलग अलग नहीं है, तो हम आत्माओं के लिए तो आपको एक सेशन करना ही पड़ेगा। ओके हरे कृष्ण, थैंक यू। कोमल माता जी, आपकी आवाज कट रही है। हरे कृष्ण, आप आ रही? हाँ हरे बोलिए। कृष्ण। तो बोली क्लास आ रही मम्मी, तो मैंने फिर जैसे ही सुनना शुरू करा तो बहुत अच्छा लगा, और ऐसा लगा कि बस सुनते रहो सुनते रहो, प्रभु जी बोलते रहो सुनते रहो, कि किसे कैसे कैसे भक्त हुए हैं, और एक प्रीति बड़ी भगवान के प्रति कि हम सुनते रहे और प्रभु जी बोलते रहे। अब और अब आगे क्या, कब आएगी क्लास, कब होगी? हम लोग कल फिर चर्चा करेंगे 7 बजे, और मुख्य बात है कि इन उदाहरण से हमको सीखना है, अपने जीवन में हमको उतारना है, इसी के लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। हम लोग बड़े बड़े पुस्तक पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, लेकिन जिन भक्तों ने इनको व्यावहारिक रूप से जिया है इस कलयुग के अंदर, उन भक्तों से सुन के, उन भक्तों के बारे में जान के हम और व्यावहारिक रूप से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दीप्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपकी क्लास को अच्छा बोलना कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपकी सारी क्लासेस बड़ी अच्छी रहती हैं। मगर प्रभु जी मेरी एक निवेदन है कि प्रभु जी जैसे आज मतलब 2 दिन ये है, तो हर वीक कोई किसी ना किसी भक्त के कर आप क्लास लीजिए, भक्त के लिए प्लीज प्रभु जी, अभी क्योंकि मुझे मतलब स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी मैं आपका फिर से वो जो आपने नरोत्तम दास जी के बारे में बोला था वो मैं फिर से सुन रही हूँ, तो प्लीज प्रभु जी निवेदन है कि आप हर वीक 2 दिन तो ले सकते हैं प्रभु जी, प्लीज ले लीजिए। देखते हैं कैसी इच्छा भगवान की, देखते हैं। ठीक है हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। सोनम माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जैसा कि मैंने पूरा क्लास सुना मैंने, और जो अलादेवी माता जी की जो तपस्या है, तो उनका जो सुविधा एक तरह से तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बिना कोई कंप्लेन के और भगवान की इतनी अच्छी सेवा की, जो उनका जो ये भाव है, मतलब वो हमारे अंदर कैसे आ सकती है, मतलब उतना तो आएगी नहीं, पर अगर उसका मतलब 1%, 0.1% भी आ जाए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि मतलब देखिए भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि इंद्रियों को पकड़ने वाला मन है और मन को पकड़ने वाली चेतना है, और चेतना आत्मा का, आत्मा की शक्ति है। तो जितनी हमारी चेतना और बुद्धि में इस तरह के उदाहरण हमेशा घूमते रहेंगे, उतना ही हमारा मन इन्हीं वस्तुओं के बारे में सोचेगा।
और तब हमारी इंद्रियां भी उसी दिशा में चलेंगी। अभी क्योंकि हमारे बुद्धि में, हमारे मन में जागतिक वस्तुएं भरी हुई हैं, हम सुनते हैं इंद्रिय भोग के बारे में, हम खाते हैं इंद्रिय भोग, हम देखते हैं इंद्रिय भोग के बारे में, हम रहते हैं विषयी लोगों के साथ, तो क्या होता है, हमारे मन में भी वो इंद्रिय भोग भरा हुआ है। तो जब हम भगवान के भक्तों के सामने भी आते हैं, भगवान के सामने आते हैं, मंदिर में आते हैं, तो भी वो इंद्रिय भोग इतना चेतना को पकड़ कर रखा है कि हम उनमें भी अपना भोग ढूंढते हैं कि कैसे मुझे भक्तों से सम्मान मिले, मुझे भक्तों से फायदा मिले, मुझे भगवान से फायदा मिले, मुझे मंदिर से फायदा मिले, मुझे इस्कॉन से फायदा मिले। अभी इसी चेतना को शुद्ध करना है बस। अगर हम नियमित रूप से अपनी साधना को अच्छा करने का प्रयास करें, ऐसे उदाहरण सुने, भागवत का गंभीरता से पाठ करें, पढ़ें, भगवत नाम का जप करें, तो धीरे धीरे ये चेतना शुद्ध होती जाएगी। और जब ये चेतना शुद्ध होगी, उस समय पर मन बुद्धि शुद्ध होंगे, मन बुद्धि शुद्ध होंगे, इंद्रियां अपने आप सही दिशा में चलेंगी। तो इसीलिए श्रवण कीर्तन ज्यादा से ज्यादा भक्तों करना चाहिए, माताओं को तो विशेषता ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि आपके बनाए हुए भोजन को सब प्राप्त करते हैं। आपकी चेतना अच्छी नहीं रहेगी तो पूरे परिवार की चेतना नीचे चली जाएगी, आपके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। आपकी चेतना शुद्ध रहेगी तो पूरे परिवार की चेतना शुद्ध रहेगी, तो इसलिए अपनी चेतना को बड़ा पवित्र रखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के शिष्य गणों की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।